और वहीं यूपीपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता ने टॉप किया है। सिद्धार्थ गुप्ता फिलहाल बिजनौर में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हैं। परिणाम की घोषणा के बाद से परिवार में खुशी की लहर है। सिद्धार्थ किराना एसोसिएशन देवबंद के अध्यक्ष राजेश गुप्ता के इकलौते बेटे हैं। सिद्धार्थ गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। बेटे ने जो है हमारा भी नाम रोशन किया और देवर का भी नाम रोशन किया, तो इसके लिए जो है मैं तो ये कहूंगा कि बेटा आगे चल गए और भी नाम रोशन करेगा इसके अच्छे साथियों को और इसके रहन सहन के तौर तरीकों को, क्योंकि आज तक जैसे कोई गुटखा या वो किसी पर नशा या गलत आचरण के साथ ही उनसे दूर रहना, ये इसकी उपलब्धि रही। पीसीएस 2023 में फर्स्ट रैंक लाने वाले देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधी बात उन्हीं से ही करते हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज स्टेट में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? इस उपलब्धि पर काफी मैं खुश हूँ। पूरे शहर का नाम, पूरे क्षेत्र का नाम मेरी वजह से रोशन हुआ है, इसके लिए मैं काफी खुश हूँ। तो किसको इस चीज का अपना श्रेय देंगे? इस चीज का श्रेय मैं अपनी फैमिली को देना चाहूंगा, अपने फ्रेंड्स को दूंगा और जो लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे थे उनको दूंगा। उन्होंने मेरा काफी साथ दिया है, जब डिमोटिवेट होता था तो मुझको मोटिवेट भी किया है, तो उनको मैं इस चीज का क्रेडिट दूंगा। तो युवाओं को लेकर जिस तरह से युवा भी तैयारी कुछ कर रहे होंगे, देवबंद के भी हैं, तो उनको लेकर क्या संदेश है? उनको यही संदेश दूंगा कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। आपको पेशेंस रखना है, आपको अगर एक बार फेल होते हैं, क्योंकि एग्जाम ऐसा है कि इसमें 4-5 साल की आपको तैयारी लग सकती है, तो इनकेस एक बार फेल होंगे तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको लगातार तैयारी करते रहना है। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, दो मेरी सिस्टर्स हैं, वो दोनों मैरिड हैं, पापा का किराना का बिजनेस है, मम्मी मेरी हाउस वाइफ है और दो बड़ी दीदी है मेरी, जिनमें छोटी दीदी डॉक्टर है और बड़ी दीदी हाउस वाइफ है। तो ये थे सिद्धार्थ गुप्ता देवबंद के, जिन्होंने पीसीएस 2023 में टॉप किया है। मतीन खान, न्यूज स्टेट, देवबंद। और यार रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।